राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यास यस्य आस्य कमलगलतम वाग्मय ममतम जगत्पेवती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षतम श्रीकृष्णाक्षं परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं वराकरूपोऽपि तस्य हरे पदकमलं वंदे श्रीचैतन्यदेवस्य वंदेहं श्रीगुरोर्श्रीपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललता श्री विशाखान्वितांश्च आजानुलंबितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोक हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव मे कुरुत मंद मते दयांद्रा तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराण पठनम यत्र तत्र सन्निहितो हरि ही बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम श्री राधा श्याम सुंदर देव जू की जय। हाँ भैया क्या आज है क्या कर रहे थे आप शिव है शिवरात्रि के ऊपर कुछ सुनना अच्छा अरे आ जाने दो हाँ हो जाने दो कोई बात नहीं कल तो वो बाबूजी आएंगे फिर उनके साथ में अरे आ जाने दो। श्री भगवान शिव वैष्णवों में अग्रगण्य द्वादश स्कंद में कहा गया वैष्णवानां यथाशंभु वैष्णवों में शिव सबसे ज़्यादा प्रधान है। श्री शिव गुणावतार भी होकर के विराजमान है। वे वैष्णवों में अग्रगण्य हैं इसके लिए उन्होंने कई लोगों को सुंदर उपदेश दिए। जैसे नाभाग को श्री श्रीमद्भागवती संहिता में उन्होंने उपदेश दिया नाभाग नाम करके एक राजा के यहाँ पर नाभाग नाम कर नामक पुत्र उत्पन्न हुआ और वो गुरुकुल में अध्ययन कर रहा था उसके पीछे से पिता के सारे राज्य को धन को भाइयों ने बांट लिया तो जब वो लौट करके आया तो भाइयों ने कह दिया भाई अब तो धन बढ़ गया अब तो कुछ नहीं है तुम्हारे हिस्से में तुम्हारे पिता हैं। तो उसने पिता की सेवा की और पिता ने जब उसको बताया कुछ कि छठे दिन के श्राद्ध में जो धन बचेगा वो ब्राह्मण कुछ मंत्र भूल जाएंगे उसको तुम कह देना। उसने वो मंत्र कह दिए और ब्राह्मणों ने यज्ञ में बचा हुआ जो धन था वो उसको दे दिया। मार्ग में शिव मिले तो शिव ने कहा कि ये धन तो मेरा होता है दक्ष प्रजापति के यज्ञ में ये स्थापित हुआ है कि यज्ञ में जो बचेगा वो मेरा धन है। तो नाभाग ने पूरा का पूरा धन शिव जी को दे दिया और शिव इसके ऊपर बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा बेटा ये धन आज है कल नष्ट हो जाएगा
मैं ऐसा धन देता हूँ जो कभी नष्ट ना हो। श्री शिव इस प्रकार नाभाग को भक्ति तत्व का उपदेश देने वाले हुए। इसी तरह से शिव ने अनेक लोगों को दिया, जैसे प्रचेताओं को उन्होंने भक्ति मार्ग का उपदेश दिया। श्री मार्कंडेय मुनि को भी उन्होंने भक्ति मार्ग का उपदेश दिया। प्रचेताओं को रुद्रगीत का उपदेश दिलाया और उससे प्रचेता सिद्धि को प्राप्त हुए। इसी प्रकार जितना भी तंत्र शास्त्र है उस सब का उपदेश देने वाले, तंत्र माने वैष्णव तंत्र, जैसे हम लोग गोपाल सहस्रनाम, राधा तंत्र, राधा कवच, इन सब का जो पाठ करते हैं तो वो सब शिव जी के कहे हुए हैं। तो शिव जी ने जितने भी वैष्णव तंत्र हैं, माने भगवान की विभूति और उनकी महिमा का वर्णन जिसमें किया जाए उसका नाम तंत्र। तंत्र माने तन्यते विस्तार्यते इति तंत्र, जिसके द्वारा महिमा का विस्तार किया जाए उसका नाम तंत्र। तो सारे तंत्रों का निरूपण करने वाला प्रायः जो जितने भी स्तोत्र प्रचलित हैं वे सब शिवजी के द्वारा ही कही गई। राधा कृपा कटाक्षा प्रवृत्ति जो श्लोक है, आदि जो श्लोक हैं, ये सब शिवजी के द्वारा ही कही गई। तो इसलिए वैष्णवों के अग्रगण्य होने पर और वैष्णव धर्म का प्रचार करने में शिवजी का बहुत बड़ा योगदान है। श्री शिव के साथ में नारायण की अत्यंत अत्यंत प्रीति है और अनेक बार ब्रह्मा जी को भगवान डांट देते हैं परंतु शिव जी को नहीं डांटते हैं। शिव जी भी असुरों को खूब वरदान देते हैं, भोले हैं इसलिए सब असुरों को वरदान दे देते हैं, परंतु भगवान शिव के वचनों की रक्षा तो करते हैं परंतु शिव को कभी डांटते नहीं हैं। परंतु यदि ब्रह्मा कभी हिरण्यकश्यप को वरदान दे दें कि तू अजर अमर जैसा बन जा, तो भगवान ब्रह्मा को भी डांट देते हैं और कह देते हैं कि मैवम वरस्वराणाम ते प्रदेय पद्म संभवा, ऐसे वचन मत दिया, ऐसे मत कहा करो। तेरस का जो दिन है त्रयोदशी का, वो शिव का दिन माना जाता है। तेरस तिथि के देवता शिव हैं, इसलिए प्रदोष में सब लोग शिव का विशेष रूप से व्रत करते हैं। तेरस के दिन व्रत करके चौदस के दिन फिर पालना करते हैं प्रदोष। प्रदोष शिव की तिथि मानी जाती है। श्री शिव ने जब समुद्र मंथन हुआ, उस समुद्र मंथन होने के बाद में शिव ने विष का पान कर लिया। इसीलिए सब लोग ये विचार करते हैं कि शिव ने विष का पान किया, इसलिए विशेष रूप से श्रावण के महीने में श्री शिव को जलाभिषेक करने का विशेष विधान है कि विष का जो प्रभाव, कालकूट का प्रभाव कदाचित उनके ऊपर हो रहा है, इसलिए सब लोग उनको जल की धारा से नहलाते हैं। और आज का जो दिन है वह फागुन का जो त्रयोदशी, वो प्रदोष की त्रयोदशी, विशेष रूप से कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी है वो शिव का दिन माना जाता है। इस दिन शिव का विवाह है और कहा जाता है आज शिव का रुद्र का जन्म भी है, जन्म भी है और विवाह भी है दोनों। श्री ब्रह्मा से रुद्र का जन्म हुआ, परंतु रुद्र का जन्म होने पर भी ब्रह्मा भी श्री रुद्र की पूजा करते हैं। और यदि शिव ब्रह्मा को प्रणाम करने लग जाएं तो ब्रह्मा कहते हैं कि महाराज मुझे आप प्रणाम मत करो, आप ईश्वर हैं, मैं जीव कोटि में हूँ। शिव को ईश्वर कोटि में माना गया, परंतु फिर भी शिव भगवान को छू लेते हैं। तो फाल्गुन मास की जो शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, वो त्रयोदशी तो
श्री शिवरात्रि की ये जो त्रयोदशी है ये उनका विवाह का और जन्मदिन का दोनों का अवसर है, जबकि श्रावण मास उसकी विशेषता ये है कि उसमें भगवान शिव के जल अभिषेक का विशेष रूप से महत्व है। शास्त्रों में ये बात भी कही गई कि अलंकार प्रिय विष्णु, विष्णु अलंकार प्रिय हैं, जलधारा प्रिय शिवा, शिव जी जल की धारा डालने से बड़े प्रसन्न होते हैं, इसे निरंतर शिव के ऊपर जलहरी से जल की धारा गिरती रहे, शिव बड़े प्रसन्न होते हैं। और नमस्कार प्रियो भानु, सूर्य भगवान को अभ्युत्थान देना, उनको प्रणाम करना, संध्या वंदन करके सूर्य को प्रणाम करना, सूर्य प्रणाम, इससे सूर्य बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं, जल्दी कृपा करते हैं। और श्री कृष्ण श्रृंगार से प्रसन्न होते हैं ज़्यादा, अलंकार प्रिय अलंकार से, और ब्राह्मणों मधुर प्रिय, ब्राह्मण मिठाई खिलाने से ज़्यादा प्रसन्न होता है, अलंकार मन श्रृंगार, हाँ भगवान कृष्ण। तो ये अलग अलग, तो शिव को जलधारा विशेष रूप से प्यारी है। श्री शिव ने जितने भी जादू टोना उनको भी प्रकट किया, वैष्णव तंत्र माने जहाँ उपासना पद्धति को प्रकट किया वहाँ जादू टोना इनको भी प्रकट करने वाले भगवान शिव। शिव के चार स्वरूप हैं, प्रतिभिज्ञा दर्शन में शिव के चार स्वरूपों का वर्णन किया गया। शिव का एक स्वरूप है उसको कहते हैं शिव भट्टारक स्वरूप या परम अहमता, माने और ह से परे होकर के जो विराजमान हैं, परम अहमता उसका नाम ब्रह्म है और वो ब्रह्म रूप में ही शिव हैं। तो शिव का पहला जो स्वरूप हुआ वो हुआ जिसमें इदम माने दृश्यमान उनकी शक्तियाँ उनके भीतर ही छिपी हुई हैं, वो शिव का निर्गुण निराकार स्वरूप है। शिव का दूसरा स्वरूप है जहाँ वे अपनी स्वरूप शक्तियों को प्रकट करते हुए विराजमान होते हैं, वो शिव का दूसरा स्वरूप है, उस स्वरूप का नाम है सदाशिव स्वरूप। इन सदाशिव ने ही विष का पान किया देवताओं में, परम शक्तिशाली होकर के विराजमान, और उन्होंने समुद्र से उत्पन्न होने वाले विष का भी पान कर लिया, और विशेष रूप से श्रावण मास में इसीलिए श्री शिव उनका पूजन जलधारा के द्वारा किया जाता है कि भाई विष का कहीं कोई गर्मी हो तो वो गर्मी थोड़ी सी शांत हो जाए, उनकी अनुकूलता हो जाए, ये उसका कहीं भीतर छिपा हुआ भाव रहा होगा। जब शिव का वो उग्रताप शांत हो गया, इसके बाद में फिर समुद्र मथने पर अनेक रत्न प्रकट हुए, माने कार्तिक के महीने में, श्रावण के महीने में शिव का पूजन विशेष रूप से होता है, और भादो और क्वार इन दो महीने के बाद में फिर कार्तिक के महीने में विभिन्न रत्न पूरे उत्पन्न हुए। उन रत्नों में धन्वंतरी जयंती कार्तिक में मनाई जाती है, इसी प्रकार धन्वंतरी जयंती के बाद में श्री लक्ष्मी बेबी प्रकट हुई, और लक्ष्मी का पूजन भी सब लोग कार्तिक के महीने में करते हैं। तो ये करते हुए विराजमान,